वक्त मैं लिबर्टी गोल चक्कर पर मौजूद हूं और जश्न बहारा के हवाले से पीएचए की जानिब से छजाकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है और यहां पर साइकिल कार्ट पर मकामी और फलदार और देसी जो पौधे हैं वो अवाम में तकसीम किए जा रहे हैं। इसकी छजाकारी का और पौधे तकसीम करने का क्या मकसद है? इस वक्त हमारे साथ डी जी पीएचए जवाद अहमद कुरैशी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पीएचए की जानिब से जो है वो साइकिल कार्ट्स पर लोगों में पौधे तकसीम किए जा रहे हैं, सर इसका क्या मकसद है? देखिए, इसमें जो शजरकारी है, स्प्रिंग की हमारी शजरकारी है, उसके लिए हमारा ओवरऑल हदफ 3 लाख के करीब दरख्तों और पौधों का था, जिसमें से हमने कोई 2.5 लाख पौधे और दरख्त अपनी ग्रीन बेल्टों पे और बड़े पार्कों में और छोटे पार्कों में लगाए हैं। अब 50,000 जो हमारे दरख्त हैं वो अच्छी नस्ल के जो हमारे मकामी दरख्त और श्रब्स हैं उनको हम आवाम के लिए एक तोहफे के तौर पर बांटने के लिए आए हैं। और ये जो हमने ये कार्ड्स आपके सामने जो मौजूद हैं ये आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आएंगे और मेरी आवाम से ये अपील होगी कि पीएचए के इस इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाएं, हमसे मुफ्त पौधे हासिल करें, अपने घरों में, दफ्तरों में, गली कूचों में ये पौधे लगाएं, इनकी हिफाजत करें और लाहौर को क्लीन और ग्रीन बनाने में पीएचए की मदद करें। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, उनका भी विजन है कि लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाया जाए। पीएचए इसमें एक अहम किरदार भी अदा कर रहा है, तो पीएचए की एफर्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे आपके पीएचए के जो शोबे हैं वो किस हवाले से कितनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है, वज़ीर आला पंजाब का बहुत ज़्यादा फोकस है, पीएचए लाहौर जो है वो स्पेयर हेड कर रही है, लीड कर रही है। अर्बन फॉरेस्ट हमने 50 साइट्स में वाकई की शहर लाहौर में लगाई हैं जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद इफ्तिताह किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीएचए वज़ीर आज़म साहब की और वज़ीर आला साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक बिल्कुल बड़ा सीरियसली अपना मिशन लेके दिन रात उसके ऊपर काम कर रही है। सर, जश्न वारा मेला भी जारी था, कोरोना की वजह से कुछ उसको बंद कर दिया गया है। कुछ वजूहत ऐसी थी कि कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया था, हुकूमत की तरफ से अहकाम आए कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर दिया जाए, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि लाहौरियों को एक अच्छी और सेहतमंद और सस्ती तफरी फराहम करें, लेकिन आवाम की सेहत और आवाम की ज़िंदगी कई दफ़ा इन चीज़ों से वो ज़्यादा ज़रूरी है और हम हुकूमत का एक इदारा है, जो हुकूमत की डायरेक्शन होगी उसको हम मनोवन फॉलो करेंगे, इस वजह से हमने उसको बंद किया। जिस वक्त हमारे साथ डी जी पी एच ए जवाद अहमद कुरैशी मौजूद थे, उनका कहना था कि अवाम में जो पौधे तकसीम किए जा रहे हैं उसका मेन मकसद यह है कि अवाम में शोर पैदा किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ और जो हमें ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है उसको ख़त्म किया जा सके और पौधे जो है हमारे लिए ज़िंदगी में एक अहम किरदार भी अदा करते हैं। दूसरा, जश्न बहारा का जो मेला कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया, उस हवाले से भी उनका ये कहना था कि अवाम की जो सेहत है, अवाम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।